जो आचरण अनुराग ठाकुर का है, जिस भाषा का इस्तेमाल अनुराग ठाकुर करते हैं, निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूं कि उनका अंजाम स्मृति ईरानी वाला होने वाला है। उनके कदम उसी राह की तरफ बढ़ रहे हैं जिस तरीके से स्मृति ईरानी को संसद से बाहर का रास्ता लोगों ने दिखाया है, और वो आंसू बहाते हुए अपना जो उनका वो सरकारी आवास था उसको खाली करके वहां से निकली हैं। आप उसी राह के ऊपर बढ़ रहे हैं। आपने अपने पिता प्रेम कुमार धूमल से भी कुछ नहीं सीखा, वो भी एक बड़े पद के ऊपर हिमाचल प्रदेश की राजनीति में रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी कभी इस तरह की जो भाषा है उसका इस्तेमाल अपने विरोधियों के प्रति नहीं किया। जो और एक और चीज मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा, अनुराग ठाकुर थे ये, कंगना रनौत भी एक इनकी बहन और आ गई है, जो पूर्व में केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, पांचवी बार यहाँ से सांसद चुने गए हैं। लगातार ये देखने में आया है कि अपना जो भारतीय जनता पार्टी का इनका राष्ट्रीय नेतृत्व है उसको प्रसन्न करने की मंशा से, उस नेतृत्व के फेवरेट बनने के चक्कर में पूरे गांधी परिवार के प्रति, नेहरू परिवार के प्रति अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, अमर्यादित टिप्पणियां करते हैं। और अभी हाल ही में संसद के अंदर जिस तरह की टिप्पणी अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के लिए की, कांग्रेस पार्टी उसकी कड़ी निंदा करती है। कांग्रेस ही नहीं बल्कि मैं समझता हूं कि देश के तमाम बुद्धिजीवी वर्ग ने, संवेदनशील समाज ने उनकी इस भाषा को, उनके शब्दों को नापसंद किया है और उनकी निंदा की है। लेते हैं टेस्ट, होना चाहिए, बेटी की तरह है हमारे लिए, बहन की तरह है, हिमाचल से संबंधित है, महिला नारी शक्ति का हम पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन उनको भी सीमाओं में रह के बात करनी चाहिए। उन्होंने खुद कई वीडियोज उनके ऐसे हैं जिनमें वो कह चुकी हैं कि वो ड्रग्स एडिक्टेड थी। मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा आरोप नहीं है, ये खुद कह चुकी हैं वो। बहुत से ऐसे उनके वीडियोज जो हैं वो वायरल होते रहे हैं जिसमें कंगना रनौत खुद कह रही है कि मैं जब फिल्म इंडस्ट्री में गई मैं ड्रग एडिक्टेड हो गई थी, तो ड्रग्स वो खुद लेती थी, और जो ड्रग्स लेता है उस छोड़ने के बाद भी मैं समझता हूं लंबे समय तक उसके दिमाग के ऊपर उनका असर रहता है, और शायद उसी असर के चलते वो इस तरह की मानसिकता जो है, इस तरह की भाषा जो है उसका इस्तेमाल करती हैं। महिला हैं, नारी हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन मैं कंगना रनौत से कहता हूं आपको संसद में पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, कंस्ट्रक्टिव काम करिए, पॉजिटिव काम करिए, और अपने विरोधी पक्ष के नेताओं का सम्मान करने की आदत डालिए, आपको समाज में इज्जत मिलेगी, आगे बढ़ने का रास्ता प्रशस्त होगा। लेकिन अगर राहुल गांधी जैसी शख्सियत, मैं तो ये कहता हूं कि राहुल गांधी से बड़ा आज की डेट में इस देश के अंदर कोई संत नहीं है, कोई बलिदानी नहीं है, कोई त्यागी नहीं है, सब कुछ त्याग करके, हर चीज का बलिदान करके वो व्यक्ति देश के गली गली कुचे कुचे में घूमकर जो है देशवासियों की आवाज को बुलंद कर रहा है, और उस व्यक्ति के प्रति आप लोग इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, अभद्र टिप्पणियां जो कर रहे हैं। हमारे सांसद हैं, हमारे लिए शर्म का विषय है कि हमारा सांसद, जिसको हमारे संसदीय क्षेत्र के लोगों ने संसद में चुन के भेजा है, वो सांसद जो है वो इस तरह की असभ्य और असंस्कृत, जो जो जिस भाषा को हमारी संस्कृति में कोई स्थान ही नहीं है, उस भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। जनता पार्टी के नेताओं को और अनुराग ठाकुर को समझ नहीं आती, क्योंकि इनका इतिहास, इस पार्टी का इतिहास नफरत का इतिहास रहा है। इस पार्टी का इतिहास अंग्रेजों के साथ मिलीभगत करके मलाई खाने का इतिहास रहा है। नेहरू ने इस देश को क्या राजनीति दी? नेहरू ने इस देश को वो राजनीति दी जिस राजनीति में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी, जो आरएसएस के थे, संघ के थे, उनको भी अपनी सरकार और मंत्रिमंडल में शामिल करके जम्मू कश्मीर मामलों का मंत्री बनाया। ये राजनीति कांग्रेस पार्टी ने, और राहुल गांधी का जो परिवार है जिसकी जाति के ऊपर आप प्रश्न उठा रहे हैं, उन्होंने देश के दी। और आप क्या राजनीति दे रहे हो? आपने राहुल गांधी की जाति पूछी। मैं अनुराग ठाकुर आपसे कहना चाहता हूं, सुनिए और जवाब दीजिएगा इस चीज का,
कि अगर जात पूछनी है आपने तो उस व्यक्ति की पूछिए जो ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यू में यह कहता है कि शायद मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। तो जो बायोलॉजिकल ना होने का दावा करता है आप उसकी जाति पूछें कि उसकी जाति क्या है जो देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ये सवाल बनता है, ये सवाल आपको पूछना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी और मैं आपसे ये सवाल पूछते हैं कि जो व्यक्ति ये कहता है कि बायोलॉजिकल नहीं हूं, आप उसकी जाति बताएं कि उसकी जाति क्या है। अनुराग ठाकुर से मैं, अनुराग ठाकुर को तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप में अगर काबिलियत होती, आपका नेतृत्व अगर आपको काबिल समझता तो इस बात द्वारा आप केंद्र की सरकार में मंत्री होते। आप एक फ्लॉप मिनिस्टर रहे हैं, असफल नेता रहे हैं, इसी वजह से आपको मंत्रिमंडल से बाहर रखा गया। और आपकी योग्यता यह है कि आप गालियां अच्छी देते हो, उसमें आपकी महारत है। और भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों को प्रमोट करने में, ऐसे लोगों की पीठ थपथपाने में गौरव महसूस करता है। और उसी का परिणाम है कि देश के प्रधानमंत्री, शर्म की बात है, खेदजनक है कि जो कुछ अनुराग ठाकुर ने संसद में कहा उसको आधार बनाकर देश के प्रधानमंत्री अपने पेज के ऊपर अनुराग ठाकुर की उस कथन को एप्रिशिएट कर रहे हैं। कहां ले जा रहे हैं आप देश को, कहां ले जा रहे हैं आप देश की राजनीति को, कहां ले जा रहे हैं आप देश की संस्कृति को, कहां ले जा रहे हैं आप इस देश की सभ्यता को।